स्टोर फ्रंट बिजनेस के लिए खास आइडिया। अगर आपका भी स्टोर फ्रंट बिजनेस है तो इन टिप्स को फॉलो कर आप भी अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। आपने कभी ना कभी किसी बड़े बिजनेसमैन के मुंह से एक बात तो सुनी होगी कि यदि आपके पास पैसा है तो अपने आप ही पैसा बनता जाता है। इस बात का मतलब ये है कि यदि आपने अपने निवेश को सही जगह पर इन्वेस्ट किया है तो आसानी से बिना कोई अधिक मेहनत किए मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आप अपने आसपास के क्षेत्र में अपना कोई स्टोर संचालित करते हैं तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप अपने स्टोर के आसपास के ही एरिया में स्थापित करके खुद का एक अलग से साइड स्टोर फ्रंट बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। एंटीक पीस सेलिंग बिजनेस। यदि आपको किसी यूनिक फील्ड में स्पेशल स्किल हासिल है तो आप इस तरह के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और जिस भी फील्ड में आप अपना नॉलेज रखते हैं उससे संबंधित एंटीक सामानों की बिक्री कर सकते हैं। यदि आपका स्टोर भी इसी तरह के बिजनेस से संबंधित है तो आप अपने स्टोर में आने वाले लोगों को आपके स्टोर फ्रंट शॉप पर भी भेज सकते हैं और इस तरह से आप अपने टारगेट कस्टमर बेस को बढ़ाकर अधिक लोगों तक पहुँच बना सकते हैं। बेकरी स्टोर बिजनेस। बढ़ती पर कैपिटल इनकम के कारण भारतीय जनसंख्या में भी एक ऐसा उभरता हुआ वर्ग सामने आ रहा है जो कि हर दिन यूनिक फूड आइटम खाना पसंद कर रहा है। इसी बदलती हुई सोच का फायदा उठाकर आप अपने स्टोर के सामने ही एक छोटा बेकरी शॉप खोल सकते हैं या फिर आप एक मोबाइल बेकरी शॉप भी खोल सकते हैं, अर्थात बेकरी शॉप का ऐसा स्टोर जिसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। इस तरह के बिजनेस को स्थापित करने के लिए आपको अपने स्टोर में किए जाने वाले निवेश के अलावा लगभग 1,00,000 रुपए तक के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और आप अपने स्टोर से किए जाने वाले मुनाफे को कुछ समय तक अपने निजी इस्तेमाल में ना लेकर बेकरी व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं। फूड एंड ड्रिंकिंग कैफे। यदि आपके स्टोर पर कुछ ऐसे सामान मिलते हैं जिन्हें युवा वर्ग के द्वारा पसंद किया जाता है तो आप इस तरह के बिजनेस में निवेश कर सकते हैं। भारतीय युवाओं का पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षण आने वाले समय में कैफे बिजनेस को और बड़ा बनाने में अच्छी हेल्प करेगा। बहुत ही कम निवेश में शुरू किए जा सकने वाले इस व्यवसाय में आप आसानी से एक वर्ष में ही 100% तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं। आप अपने स्टोर के टारगेट कस्टमर बेस को अपने कैफे के लिए भी टारगेट बना सकते हैं। शुरुआत में अपने यहाँ आने वाले लोगों को अपनी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल के दम पर आपके कैफे में जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा शुरुआती दिनों के लिए कुछ डिस्काउंट स्कीम निकाल कर भी आप अधिक लोगों को आकर्षित कर सकते हैं और फैमिली के लिए अलग से एक फैमिली सेक्शन बनाकर उनके लिए दूसरे प्रकार के फूड आइटम पेश कर सकते हैं। छोटे से निवेश की सहायता से अलग से एक सेपरेट कैफे बना सकते हैं जो कि आपके मेन कैफे से ही जुड़ा रहेगा और वहां पर नॉनवेज जैसे फूड आइटम्स परोस सकते हैं। मार्केट में चल रही फूड डिमांड को ध्यान में रखकर आप अपना एक यूनिक बिजनेस प्लान बना सकते हैं या फिर इस तरह के बिजनेस में हाल ही में स्थापित किए गए किसी कैफे की स्ट्रेटजी जानकर उसे भी फॉलो करके बहुत ही जल्द एक सफल कैफे ओनर बन सकते हैं। हेल्दी फूड स्टोर बिजनेस। भारतीय युवा वर्ग की सेहत के प्रति परिवर्तित होती हुई सकारात्मक सोच इस बिजनेस में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। आप अपने स्टोर के बाहर ही एक हेल्दी फूड बेचने वाला छोटा स्टोर लगा सकते हैं और अपने यहाँ आने वाले ग्राहकों को हेल्दी फूड खाने के बारे में बताकर उन्हें आपकी ही दुकान से खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मार्केटिंग का फायदा उठाकर आप आसपास के क्षेत्र में हेल्दी फूड के बारे में जानकारी बढ़ाकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच बना सकते हैं। आइसक्रीम शॉप बिजनेस। यदि आपका मेन स्टोर शहर के किसी ऐसे इलाके में स्थित है जहां पर आपके टारगेट कस्टमर बेस के रूप में महिलाएं और फैमिली की संख्या ज्यादा है तो आप अपना एक आइसक्रीम शॉप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और एक छोटा ठेला भी खरीद सकते हैं जिसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सके। इस बिजनेस के लिए आपको अलग से स्टोर का किराया नहीं देना पड़ेगा और शाम को जाते वक्त अपनी दुकान के साथ ही उस ठेले को भी दुकान में ही रखकर अपने स्टोर को बंद कर सकते हैं। महिलाओं के द्वारा सामान लेने आते वक्त आप अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के दम पर उन्हें आइसक्रीम के फायदे बता सकते हैं और छोटे बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। शुरुआत में कुछ समय तक अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में थोड़ी सस्ती आइसक्रीम भी बेची जा सकती है क्योंकि आपके स्टोर से आपके पास इनकम आती रहती है, इसलिए कुछ समय तक कम मुनाफा करके भी आप इस बिजनेस में आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। रिटेल फार्मेसी स्टोर बिजनेस। ये बात तो आपको भी पता है कि दवाइयों का इस्तेमाल आने वाले समय में कभी भी कम नहीं होने वाला और वर्तमान समय में भी इस व्यवसाय का मार्केट पोटेंशियल काफी अधिक है। यदि आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में अच्छी नॉलेज है तो खुद का ही एक रिटेल फार्मेसी स्टोर खोलकर लोगों की हेल्प करने के साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं।
फार्मेसी स्टोर की सफलता के लिए आप शुरुआत से ही जेनेरिक मेडिसिन की सेलिंग को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दे सकते हैं और आपकी शॉप पर आने वाले लोगों को जेनेरिक मेडिसिन पर वैज्ञानिकों की राय भी बताकर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि बड़ी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरर की गई मेडिसिन की तुलना में जेनेरिक मेडिसिन 90% तक सस्ती होती है। अर्थात यदि सिप्ला जैसी कोई कंपनी किसी मेडिसिन को बेचने के लिए 100 रुपए चार्ज करती है तो उतनी ही इफेक्टिव क्वालिटी की जेनेरिक मेडिसिन केवल 10 रुपए में बनकर तैयार हो सकती है। गिफ्ट शॉप बिजनेस, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में और फ्यूचर में गिफ्ट की डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली है। एनिवर्सरी और बर्थडे जैसे अवसरों पर गिफ्ट शॉप की हेल्प से काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और इस तरह के त्योहार और दिन पूरे वर्ष भर आते रहते हैं। रेगुलर गिफ्ट के स्थान पर आप कस्टमाइज्ड गिफ्ट शॉप की शुरुआत कर सकते हैं और अपने यूनिक पैकेजिंग स्टाइल की वजह से आसपास के क्षेत्र में फेमस गिफ्ट सेंटर के तौर पर अपना व्यवसाय जमा सकते हैं। कॉस्मेटिक स्टोर बिजनेस, कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट महिलाओं के बीच में हमेशा डिमांड में रहते हैं और शादियों तथा त्योहार के विशेष सीजन में तो इनकी डिमांड और भी बढ़ जाती है और इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए आप किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बेचने पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में घटिया क्वालिटी का सामान ना बेचें क्योंकि इससे आपका कस्टमर ट्रस्ट तो कम होगा ही, साथ ही आपकी दुकान की इमेज भी खराब होगी और खराब प्रोडक्ट से कस्टमर के चेहरे और बॉडी को नुकसान भी हो सकता है। परफ्यूम स्टोर बिजनेस, परफ्यूम स्टोर व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए आपको किसी बड़े स्टोर की आवश्यकता नहीं होगी और छोटी सी जगह पर ही हाई डिमांड में रहने वाले पर्सनल यूज परफ्यूम की शुरुआत की जा सकती है। वर्तमान में मार्केट में अवेलेबल परफ्यूम में बहुत हाई वैरायटी है और आप अपने यूनिक इंटेलिजेंस स्किल की हेल्प से आपकी शॉप पर आने वाले अलग अलग कस्टमर बेस जैसे कि महिलाओं के लिए अलग से सेक्शन बना सकते हैं और पुरुषों को पसंद आने वाले परफ्यूम के लिए अलग से सेक्शन बना सकते हैं। लोकल परफ्यूम के अलावा इम्पोर्टेड परफ्यूम को बेचने की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। यदि आपकी दुकान के आसपास कोई बड़ा मॉल या फिर अधिक भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो वहां पर भी एक छोटी सी शॉप संचालित कर सकते हैं। मोबाइल स्टोर बिजनेस, इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के बाद 21वीं सदी में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बढ़ोतरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बिक्री भी काफी तेजी से बढ़ी है। आज के समय में मोबाइल को एक रेपुटेशन के तौर पर भी देखा जाने लगा है। यदि आपके पास महंगी कंपनी का महंगा फोन है तो लोगों के बीच आपकी अलग इज्जत होती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप खुद का एक मोबाइल स्टोर संचालित कर सकते हैं और मार्केट पोटेंशियल को देखते हुए भी वर्तमान समय में भी ये एक्सेलेंट रिटेल बिजनेस आइडिया के तहत शामिल किया जाने वाला बिजनेस है। मध्यम निवेश की सहायता से शुरू किया जा सकने वाला ये व्यवसाय अभी भी अपनी शुरुआती स्टेज पर है और धीरे धीरे लोगों में डिजिटल लिटरेसी बढ़ने के साथ साथ इस व्यवसाय में और अधिक बूम आने की संभावना है। स्पोर्ट्स शॉप बिजनेस, यदि आपके आसपास के क्षेत्र में स्पोर्ट्स खेलने वाले लोगों की संख्या अधिक है तो इस तरह के बिजनेस में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अच्छी तरह मार्केट रिसर्च करके डिमांड के बारे में अच्छी जानकारी लेकर लोकल कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट को बेचने के साथ साथ महंगे और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को बेचने की शुरुआत आप कर सकते हैं। इस प्रकार के बिजनेस को शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक के निवेश की आवश्यकता होगी। ऑर्गेनिक फूड स्टोर, धीरे धीरे भारतीय लोगों में भी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होने की भावना जाग रही है और ऑर्गेनिक फूड के लिए वो अधिक पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। आप भी मार्केट की डे बाय डे डिमांड को समझते हुए इस तरह का एक छोटा फूड स्टॉल लॉन्च कर सकते हैं। बहुत ही कम निवेश में शुरुआत किए जा सकने वाले इस व्यवसाय की आने वाले समय में दोगुनी गति से बढ़ने की संभावना है। टैटू पार्लर बिजनेस, यदि आपके पास टैटू बनाने की स्किल है और आप अलग अलग यूनिक डिजाइन के टैटू बना सकते हैं तो बहुत ही कम निवेश में इस व्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है। प्रॉपर हाइजीन की हेल्प से आप अधिक से अधिक युवा लोगों को अपने टैटू पार्लर में आकर्षित कर सकते हैं। टैटू पार्लर बनाने का लोगों में बढ़ता हुआ क्रेज उन्हें और अधिक पैसे खर्च करने के लिए भी इन्फ्लुएंस करने में सफल रहा है। यदि आपके पास इस तरह की स्किल नहीं भी है तो भी आप किसी टैटू आर्टिस्ट को हायर कर सकते हैं और एक उचित फीस पर उसे टैटू पार्लर चलाने की इजाजत दे सकते हैं। फैशनेबल ज्वेलरी बिजनेस, लोगों के बिहेवियर में आने वाले चेंज के साथ ही आपने नोटिस किया होगा कि अब भारतीय लोग सोने और चांदी जैसे ज्वेलरी को पहनने में पहले जितनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए आप भी रेगुलर ट्रेडिशनल ज्वेलरी का साथ छोड़कर फैशनेबल ज्वेलरी को प्राथमिकता दे सकते हैं। इस तरह के व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत ही कम निवेश की आवश्यकता होगी और आप अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के दम पर लोगों को अपनी फैशनेबल ज्वेलरी के यूनिक फीचर बताकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।
स्नैक्स बार शॉप बिजनेस। फूड से संबंधित व्यवसाय आज के समय में भी, पहले के समय में भी और आने वाले समय में भी बहुत अच्छे मुनाफे देने वाले बिजनेस माने जाते रहे हैं। स्नैक्स के लिए शहरों में लोगों की सोच में समय के साथ काफी बदलाव आया है और बिजी लाइफस्टाइल के कारण ऑफिस में जाने वाले लोग सुबह के समय अपना स्नैक्स तैयार नहीं कर पाते, इसलिए इस तरह की शॉप में अच्छी खासी भीड़ देखी जाने लगी है। एक मध्यम निवेश के साथ इस बिजनेस की शुरुआत कर मुनाफा कमाया जा सकता है। तो इस तरह आपने जाने ऐसे कुछ बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप अपनी शॉप के आसपास के क्षेत्र में ही संचालित कर सकते हैं और एक ही स्थान पर रहते हुए दोनों व्यवसायों की सहायता से मुनाफा कमा सकते हैं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।